हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद राधा। तो ये वीडियो जो है ये बेसिकली सीटेट इंट्रोडक्शन के लिए है, क्योंकि कई बार दिमाग में आता है कि सीटेट क्या है, क्यों हमें एग्ज़ाम देना ज़रूरी है और ये किन लोगों के लिए है। तो वो सारे जो डाउट्स हैं, वो सारे जो क्वेश्चंस हैं आपके, वो मैंने लिए हैं और वो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हमें इस वीडियो में मिलेंगे। तो क्वेश्चंस जो जो मैंने लिए हैं वो हैं, व्हाट इज़ सीटेट, व्हाट इज़ सीटेट एग्ज़ाम एलिजिबिलिटी, व्हाट इज़ द एज लिमिट, सीटेट इम्पॉर्टेंट क्यों है, हाउ टू क्रैक दिस एग्ज़ाम विद गुड स्कोर। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ सीटेट। अब सीटेट है क्या, फुल फॉर्म पहले देख लेते हैं। सीटेट है सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट, और ये नेशनल लेवल पे होता है, नेशन वाइज होता है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन है फॉर टीचर्स, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो टीचर्स के लिए है। और ये किस लिए किया जाता है, ताकि हम अपॉइंट कर पाएँ स्किल्ड टीचर्स को प्राइमरी लेवल के लिए और अपर प्राइमरी लेवल के लिए। तो बेसिकली ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें आपको गवर्नमेंट जॉब्स मिल सकती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स मिल सकती हैं, स्टेट गवर्नमेंट की जॉब्स भी मिल सकती हैं। स्टेट टीटीज भी होते हैं, तो वो स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स के लिए होते हैं, जो टीचर्स जॉब होते हैं उनके लिए। बट आपने अगर सीटेट क्लियर किया हुआ है तो आप जो ये स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए जो टीचर्स की आती है वैकेंसी, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। और आप देखते हैं कि कैसे एग्ज़ाम दो बार होता है ये, और दिसंबर जुलाई में होता है। दिसंबर में अभी हो चुका है 2018 में, और अभी जो डेट आई है 2019 की जुलाई सेशन की, वो है 7 जुलाई 2019। अब देखते हैं कि क्या है ये, एक्चुअली है क्या। तो जो मैंने जैसे बात की कि स्किल्ड टीचर्स हमें चाहिए होते हैं, तो ये नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, इंडियन एंट्रेंस एग्जामिनेशन है फॉर टीचर्स, और इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड, कंपलसरी है, मैंडेटरी है फॉर गेटिंग जॉब्स इन गवर्नमेंट स्कूल्स। ये आपको एग्ज़ाम क्लियर करना ही है अगर आपको गवर्नमेंट टीचर बनना है, क्योंकि प्राइमरी जो रिक्वायरमेंट होती है उसमें पूछते हैं कि सीटेट क्वालिफाइड हो या नहीं। तो आपको अगर क्लास 1 to 8 तक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर बनना है, तो आपको सीटेट क्लियर करना ही पड़ेगा। और सीटेट पेपर 1 जो है, दो पेपर्स होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो है क्लास 1 to 5 के लिए है, जो टीचर्स क्लास 1 to 5 तक पढ़ाना चाहते हैं उनके लिए है, और सीटेट पेपर 2 उन टीचर्स के लिए है जो क्लास 6 to 8 तक पढ़ा लेते हैं। अब हमें देखना है व्हाई सीटेट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि कई बार जो बीएड कर रहे हैं या बीटीसी कर रहे हैं, उनके दिमाग में आता है कि सीटेट इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमने ऑलरेडी एजुकेशन में डिग्री ले ली है। तो ये जो एक्चुअली पहले क्या होता था, बिफोर राइट टू एजुकेशन, ये जो RTE एक्ट आया था, उसके एक्ट से आने से पहले जो डायरेक्ट ग्रेजुएशन के बाद गवर्नमेंट जॉब्स मिल जाती थी एज अ टीचर। बट RTE एक्ट आने के बाद क्या हुआ था कि बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स ओपन हुए थे, क्योंकि ये जब एक्ट आया था तो उसके बाद गवर्नमेंट स्कूल्स खुलने के बाद टीचर्स की रिक्वायरमेंट थी, बट इतने टीचर्स थे ही नहीं। और उसके लिए क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, टीचर्स की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए ये जो टेस्ट है ये इंट्रोड्यूस किया। और इंट्रोड्यूस किसने किया, एक बॉडी है NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एलिजिबिलिटी। इस बॉडी ने ये इंट्रोड्यूस किया ताकि जो क्वालिटी है टीचर्स की गवर्नमेंट स्कूल्स में, वो मेंटेन रहे या इम्प्रूव हो जाए। तो स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग को भी इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि एक तरह का फिल्टर है, अगर हम ये सीटेट एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट कराएंगे तो बीएड तो इजीली हो जाता है, मार्कशीट भी इजीली अपने अकॉर्डिंग मार्क्स भी मिल जाते हैं। तो उस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि फिल्टर्ड लोग ही जाएँ, एलिजिबल या स्किल्ड लोग ही इस आगे जाएं, टीचर्स बने, तो उसके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। अब हम देखते हैं, हु कैन अप्लाई फॉर सीटेट एग्ज़ाम, और व्हाट इज सीटेट एग्ज़ाम एलिजिबिलिटी, यानी कि कौन दे सकता है। पहले हम देख लेते हैं कि एज लिमिट क्या है। एज लिमिट है
जो मिनिमम एज है वो है 18 इयर्स, और जो अपर एज लिमिट है उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी कि किसी भी एज के लोग इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं. कैंडिडेट्स हु स्कोर मोर देन 60% इन सीटेट 2019 फॉर एनी ऑफ द पेपर्स विल रिसीव अ सीटेट एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट. तो एक और फ़ायदा होता है कि आप सीटेट क्लियर करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट इशू होता है, ताकि आप उसको शो कर सको कि मैं सीटेट क्वालिफाइड हूँ. और वो जो मार्क्स हैं आपके 60% से ज़्यादा आने चाहिए, यानी कि जो 150 मार्क्स का होता है उसमें आपके 90 मार्क्स होने चाहिए ये क्लियर करने के लिए. क्वालिफाइड होने के लिए आपको 90 मार्क्स होने चाहिए. कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द रिजर्व्ड कैटेगरीज विल बी प्रोवाइडेड विद अ रिलैक्सेशन ऑफ 5% इन द क्वालिफाइंग मार्क्स इन द एकेडमिक एलिजिबिलिटी ऑफ सीटेट. तो इसका मतलब क्या है, जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं, जो एससी एसटी ओबीसी ये सारी कैटेगरीज हैं, उनके लिए एक छूट दी गई है कि 90 मार्क्स जो हैं उसका 5% करके उसमें रिलैक्सेशन दिया है. तो ये जो है ये एक छूट दी गई है. और एक और चीज़ है एलिजिबिलिटी के लिए, प्राइमरी टीचर अगर आपको बनना है तो ये सारी जो मैंने ये लिस्ट आउट की है, ये सारी अगर आपने इनमें से कुछ भी किया है तो आप एलिजिबल हो. बेसिकली अगर आपने बीटीसी किया है या बीएड किया है और आपके मार्क्स जो ग्रेजुएशन में हैं वो 50% हैं या 50% से ज़्यादा हैं, तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो. और ये सारी चीज़ें भी हैं, आप पढ़ सकते हो, डिटेल दिया हुआ है. पेपर टू के लिए है अगर आपने बीएड किया है और बैचलर डिग्री जो है आपकी 50% से ज़्यादा है तो आप एलिजिबल हो. और इनमें से जिस जो भी आपने किया हुआ है, ये सारे पॉइंट्स मैंने दिए हुए हैं, इसमें से जो भी आपने एजुकेशन जो भी ली हुई है तो भी आप एलिजिबल हो. ये पेपर टू देने के लिए है, ये पेपर वन. अब हम देखते हैं कि सीटेट इम्पॉर्टेंट क्यों है. वो तो हम देख चुके हैं, सीटेट इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमें फिल्टर्ड स्किल्ड टीचर्स चाहिए. अब हम देखते हैं हाउ टू प्रिपेयर. अब हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर भी करना है और हमें अच्छा स्कोर भी चाहिए, अबव 100 चाहिए. तो हमें कैसे प्रिपेयर करना चाहिए. बी इनक्विसिटिव, मतलब कि हमेशा क्यूरियस रहिए जानने के लिए. अगर आप कोर्स कर रहे हैं जैसे कि बीएड कर रहे हैं या बीटीसी कर रहे हैं या जो भी मैंने जो एलिजिबिलिटी दिखाई उसमें से कोई भी कोर्स आप कर रहे हैं रिलेटेड टू एजुकेशन, या अगर आप कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमेशा क्यूरियस रहिए जानने के लिए, हमेशा डेप्थ में घुसने की कोशिश करिए. सिलेबस को पहले समझिए कि सिलेबस जो रिक्वायरमेंट है सीटेट एग्ज़ाम की उसकी क्या है. तो पैटर्न ऑफ एग्ज़ामिनेशन पहले देख लेते हैं. सिलेबस के लिए हमारे पास आता है, ये पेपर वन के लिए है, क्लास 1 to 5 के लिए. नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, 150 क्वेश्चंस आते हैं. टोटल मार्क्स जो हैं 150 हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है. और सब्जेक्ट्स जो हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2. लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 आप अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं. मैथमेटिक्स है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है. मैथमेटिक्स ज़्यादा टफ नहीं आती है, क्लास 5 तक ही आती है, बेसिक्स ही मैथ्स आती है. चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सेक्शन जो है, अगर आपने अपना कोर्स जो एजुकेशन का जो कोर्स है आपने या डिग्री ली है या डिप्लोमा किया है, जो भी आपने किया है, अगर आपने डेप्थ में पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी. 30 मार्क्स के आते हैं सारे सेक्शंस, तो टोटल 150 मार्क्स का है. अब पेपर टू के लिए हम देख लेते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी सेम, अगर आपने जो भी पढ़ा है, बीएड किया है या जो भी कोर्स किया है, आपको इन डेप्थ स्टडी करना चाहिए, उसको क्यूरियस रहना चाहिए ड्यूरिंग द कोर्स. लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 आप अकॉर्डिंगली हिंदी इंग्लिश या जो भी आपकी लैंग्वेज है दूसरी, कन्नड़ गुजराती बंगाली जो भी आपकी है वो आप चूज़ कर सकते हो. मैथमेटिक्स और साइंस, मैथमेटिक्स एंड साइंस सेक्शन जो है वो साइंस टीचर्स के लिए आता है,
जो साइंस सेक्शन ऑप्ट करते हैं, और सोशल स्टडीज़ एंड सोशल साइंस आता है जो सोशल स्टडीज़ ऑप्ट करते हैं। तो ये दोनों में से कोई एक ही आएगा, दोनों में सेक्शन नहीं आएंगे। तो ये जो है 30-30 मार्क्स का हर एक सेक्शन होता है, टोटल 150 मार्क्स, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब देखते हैं हाउ टू प्रिपेयर। हमने देख लिया सिलेबस क्या क्या आता है सीटेट एग्ज़ाम में, और बिफोर मूविंग ऑन टू द सीटेट एग्ज़ाम, बिफोर गोइंग फॉर द सीटेट एग्ज़ाम, यू शुड हैव अ प्रॉपर माइंडसेट कि मुझे जो है किस चीज़ पे ध्यान देना है। तो आपको आजकल का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको समझना चाहिए। आजकल का जो एजुकेशन सिस्टम है वो है प्रोग्रेसिव, और ज़्यादातर ध्यान जो है वो बच्चे पे दिया जाता है। टीचर सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम नहीं है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम है, जहाँ पर मेन फोकस जो है, मेन जो प्रायोरिटी है वो बच्चे को दी जाती है, उसको ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, उसको थोड़ी फ्रीडम दी जाती है लर्निंग के लिए। तो ऑथोटेरियन नहीं है, डेमोक्रेटिक एजुकेशन सिस्टम है। तो ये प्रॉपर माइंडसेट आपका होना चाहिए। जो ट्रेडिशनल वे था टीचिंग का वो आजकल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको पहले वाला सिस्टम जो है वो दिमाग से हटा देना है। और जब आप सीटेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको अपने सब्जेक्ट पे कमांड होनी चाहिए। यानी कि अगर आप सोशल स्टडीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सोशल स्टडीज़ के टीचर हो, तो आपको उस सब्जेक्ट पे कमांड होनी चाहिए। या अगर आप मैथ्स और साइंस के टीचर्स हो तो आपको उस सब्जेक्ट पे कमांड होनी चाहिए। और वो कैसे आएगी, जब आप थरो होगे एनसीईआरटी बुक्स से। आपको एनसीईआरटी बुक्स प्रॉपरली पढ़ी होनी चाहिए आपकी, और समझ के पढ़ना है आपको। फिर नेक्स्ट पॉइंट है रेफर टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। अब क्वेश्चन पेपर्स प्रीवियस ईयर्स के अगर आप देखोगे तो आपको समझ आएगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उससे आपको आइडिया होगा कि आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। और प्रैक्टिस करने के लिए आपको मॉक टेस्ट देने होंगे। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ये जो इम्पॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना, ये आपको सीटेट की सीढ़ियों पे आपकी डेस्टिनी तक आपको लेके जाएगा, सीटेट क्लियर करवाएगा। सो हमने डिस्कस किया पूरा सिलेबस, पूरा पैटर्न देखा, सीटेट एग्ज़ाम आपको कैसे क्लियर करना है। आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, अगर आपको वीडियोस मेरे पसंद आ रहे हैं। इससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और भी अच्छे से और भी वीडियोस प्रिपेयर करूँ। थैंक यू।